तो मैं इनको कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सबर की इता कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुदई, वही मुझसे हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भी, गन्ने का भाव तो बढ़ा दो। ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो, नरवाना में डॉक्टर था जी, दांतों का, हाँ पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं। हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेर व शायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द का लाजमी इलाज उसके, ना उसके पास जमूरा, क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं कुछ, ना और कुछ हथियार, तो वो बैठ गया। उसके दर्द था बहुत, तो उसने दो शीशी रख रखी थी और पानी की उसमें मिर्चें डाल रखी थी, बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला, मेरी आंख, अरे बोला तेरे दांत का दर्द, बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख का। तो ये बात कर रहा है, ध्यान उधर उधर ले जाते हैं। गन्ने का भाव बढ़ाओ, मेरे एक ये गन्ने का भाव बढ़ाओ।